ठीक है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वही आएंगे। फिर मैं चैप्टर 3 एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए हम लोग पिछले हफ्ते ही प्लान बनाए थे, तो कल हम लोग 2 घंटे के लिए, कम से कम 2 घंटे के लिए क्लास रखेंगे। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड हैं वही लोग आइएगा, सभी को आना कंपलसरी नहीं है। अटेंडेंस विल नॉट बी काउंटेड अगेन। ठीक है, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। ठीक है, तो टाइम बताइए क्या करना चाहिए, किस टाइम में रखना चाहिए। सर 10 o'clock से। यस सर। 9 o'clock से। ओके, ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है या नहीं? यस सर। तो नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक विजुअलाइजेशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन इसकी पुअर है, दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो क्लियर विजिबल है या नहीं है? हाँ? विजिबल ओके, थोड़ा सा फिर और इनलार्ज करके देखता हूँ। अभी अभी भी है? अभी भी? यस सर। ओके, ठीक है, चलिए। सो इसमें जो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, एक वेक्टर है, ठीक, उसको हम लोग को क्या करना है, रिजॉल्व करना है। ठीक है, जैसे एक वेक्टर है ना, ये एक्स वाई दो तरह से हमारा होगा रिजोल्यूशन, एक 2 डायमेंशन में होगा और एक 3 डायमेंशन में होगा। ठीक है, तो रिजोल्यूशन मतलब ये होता है कि उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करना। ठीक है, सो अभी देखिए इस चैप्टर में यही सब जो है, एक रिजोल्यूशन ये टॉपिक है, उसके बाद आता है आपका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, उसके बाद आता है वेक्टर प्रोडक्ट। ये 3 टॉपिक कॉन्जिक्यूटिवली लगातार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप फिजिक्स की क्लास में इंटेंसिव हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बाद में भी सीख सकते, बट ये सारी चीजें जो मैं एकदम बिल्कुल बच्चों की तरह तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, ये ग्रामर है, इसलिए ये नहीं सीखा तो पूरा बर्बाद हो जाएगा फिजिक्स। बस ये टॉपिक अच्छे सीख लिया, आप कहीं भी कहीं भी तो आ जाएगा अच्छे से, बट इनको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो रिजोल्यूशन का मतलब ये है कि इसको कंपोनेंट में डिवाइड करना। ये एक वेक्टर है, उसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो ये 2 डायमेंशन में रिजोल्व हो जाएगा। अगर हम इसको 3 डायमेंशन में रिजोल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट उसका जेड एक्सिस के लॉन्ग भी हो जाएगा। ठीक है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करेंगे, एक वेक्टर को लेंगे कोई सा भी, ठीक है, उसको रिजोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, क्योंकि रेक्टेंगल ये जो है एक्स और वाई एक्सिस में जो भी रहता है उसको हम लोग रेक्टेंगुलर बोलते हैं, रेक्टेंगुलर का शेप रहता है इसलिए। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि एक वेक्टर हमने है ना, ए वेक्टर लिया, ठीक, और इस ए वेक्टर का जो फाइनल पॉइंट है उसका नाम क्या दे दिया, पी, और उसको ओरिजिन से जोड़ दिया तो ये बन गया ओपी वेक्टर। ठीक है, और ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, आप देखिए ये एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है। ठीक, ये एक्स एक्सिस के साथ आप फिगर में देखिए ये एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, समझ गए? तो इसका अब रिजोल्यूशन करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इसका जो हेड है वहां से एक पॉइंट से पॉइंट हम लोग एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, आपकी उसका नाम हो जाएगा वाइस। क्लियर नहीं है, होना चाहिए वाइस क्लियर, सबको प्रॉब्लम हो रही क्या? यस सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक मिनट। अभी भी नहीं आ रही है आवाज क्या?
अभी आ रहे हैं, अभी भी क्लियर नहीं है? आ रहे हैं। आ रहा है, ठीक है। तो एक जो इसका कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, तो हाँ क्या किए थे हम लोग, हाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए पी पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर में परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो दिस इज परपेंडिकुलर। उसी तरह से वाई एक्सिस के ऊपर में भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पी एन, ठीक है, ड्रॉ कर दिए। ओके तो अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग एरियल ऑफ वेक्टर, एक में इसको में ड्राइव किया तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा नाम देंगे एक्स, ठीक है, और वाई एक्सिस के अलोंग जो होगा उसको हम नाम देंगे ए वाई, ठीक है। तो दिस इज ए एक्स वेक्टर, दिस इज ए वाई वेक्टर, ठीक है। तो ए का हमने दो कंपोनेंट हुआ एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, ये नाम दिया। तो अब देखिए दो वेक्टर हो गए, एक ये और एक ये। तो अगर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लेंगे तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो दो वेक्टर है दिस और दिस, किसका रिजल्टेंट इसके बीचों बीच जाएगा, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो वेक्टर ए है दैट विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस ए, बोल सकते हैं, ठीक है, इसको बोल सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स प्लस वेक्टर, ठीक है। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? ठीक है, तो अब ये हो गया। अब ए एक्स जो है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ए वाई को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, समझ गए। सो ए एक्स इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड ए वाई इज द वर्टिकल और वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब आपको याद कीजिए, पिछले दिन एक दिन मैंने आपको याद करवाया था कि एक यूनिट वेक्टर होता है ना, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है, और ये यूनिट वेक्टर तीनों एक्सिस के अलोंग अलग अलग होता है, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग अलग अलग होता है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, बोलिए। हाँ? क्या हुआ, आवाज नहीं, साउंड क्लियर नहीं है, साउंड अभी भी नहीं आ रही है क्या? अब सही है, सही है, क्लियर है। अरे अब क्या प्रॉब्लम है, साउंड में समझ ही नहीं आ रहा है। तो हाँ फ्लक्चुएट हो, अभी भी दिक्कत हो रही है क्या, फ्लक्चुएट हो रहा है ज्यादा नहीं? सही है सर, अब सही है, ठीक है। बड़ी मुश्किल लग रही है। तो एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों के अलोंग, ठीक है, मतलब क्या बोलते थे, हाँ एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता उसको क्या बोलते थे, आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग जो होता था उसको हम लोग बोलते थे जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप, याद आ रहा है? यस सर। हाँ, इसलिए जब आप समझ सकते हैं कि ये अगर ए एक्स वेक्टर है, ठीक है, ये ए एक्स वेक्टर है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स इसका मैग्नीट्यूड इंटू में आई कैप, तो यानी कि ये जो है ये वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है ना, ये सॉरी इसका मैग्नीट्यूड क्या है ए एक्स, उसका डायरेक्शन क्या हो गया आई कैप, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग। यानी आपको ये बात समझ में आई, ए एक्स वेक्टर को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वेक्टर को हम लोग ये इसका मैग्नीट्यूड और इसके साथ ये डायरेक्शन ऐसे, कोई दिक्कत किसी को ये बात समझने में, दिक्कत है या नहीं है? ठीक है, तो यहां से आप देखिए जो हमारा ए एक्स वेक्टर था उसको हमने ले दिया ए एक्स आई कैप, तो उसी तरह से ए वाई वेक्टर को क्या लिख देंगे हम लोग, ए वाई वेक्टर को क्या लिख देंगे, ए जे कैप, ए वाई जे कैप, ठीक है, समझ गए। सो इसलिए इसको ए एक्स को ए एक्स आई कैप और ए वाई को ए वाई जे कैप, इस तरह से लिख दिया।
अब हम देख सकते हैं ये जो वेक्टर था a इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप बन जाएगा, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको ये बता रहा है कि अगर आपका सपोज एक वेक्टर, यानी फाइनलाइज कर रहा हूं मैं इसको, अगर ये वेक्टर आपका a है, ठीक, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर ए एक्स इधर ए वाई, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। तो इस वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू, है ना, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यहां तक समझ आ गया सबको, कोई प्रॉब्लम? ये रिजॉल्व हुआ, ठीक है। एक वेक्टर ए था, उसको हम लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, दोनों एक्सिस के अलॉन्ग हमने क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, एंड दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर में है ना, ये एंगल आपका थीटा है, ठीक। इस फिगर में आप बता सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बोलिए। कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा क्या होता है, ये आपका ए एक्स है और ये ए है और ये वाला ए वाई है, ठीक है। कॉस थीटा कितना होता है, ये भी नहीं मालूम है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है इसका, बेस कितना है ए एक्स और हाइपोटेनियस कितना है ए, समझ गए। ये देखिए ना, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, यहां से आप ये बोल सकते हैं ए एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ए कॉस थीटा। ए एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ए कॉस थीटा। और उसी तरह से हम लोग को ए वाई की भी वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, साइन थीटा लगाएंगे। सो साइन थीटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ए वाई है और हाइपोटेनियस ए है, तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं ए वाई की वैल्यू क्या हो गई, ए साइन थीटा। ए वाई की वैल्यू हो गई ए साइन थीटा, समझ आ गया इतना सबको। तो ए एक्स और ए वाई की वैल्यू हम लोगों ने यहां से निकाल ली, ठीक है। तो इसलिए ये जो हमारा आया था, ठीक है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो ए एक्स की जगह पे हम लोग यहां से क्या लिख देंगे, ए कॉस थीटा, ठीक है, और ए वाई की जगह क्या लिख देंगे, ए साइन थीटा, ठीक है। सो हमने अब क्या लिख दिया, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक। तो जो आपका वेक्टर है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वो अब आपका फाइनली बन के ये क्या बन जाएगा, देखिए, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स की जगह पे ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। यहां तक आ गया सबको समझ में, तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर एंगल के फॉर्म में बोलेगा तो इस तरह से लिख देंगे, और अगर कंपोनेंट्स के फॉर्म में बोलेगा तो इस तरह से लिख देंगे, ए एक्स और ए वाई के फॉर्म में, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अरे बोलो। यस सर, आ रहा है। जय माता, ठीक है। अब देखिए, इस दोनों ए एक्स और ये जो ए एक्स और ए वाई है, ठीक है, आवाज में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्या, अगर आवाज में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी तो फिर क्लास बंद कर देते हैं, फिर जब समझ ही नहीं आ रहा होगा तो क्या फायदा है, क्योंकि नेटवर्क सही आ रही है ना, ठीक है, क्योंकि फिर ये सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अब नेटवर्क में क्या करूं, मैंने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रखी है नेटवर्क को कलेक्ट करने की, ठीक है, तो अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता हूं मैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं समझ आएगा तो फिर दिक्कत है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्लियरली सबको, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, ए एक्स और ए वाई, ठीक है, इस दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर,
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया, वन। तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। और इस चीज को आप यहां से भी ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, आपको अगर ध्यान से दिख रहा होगा तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल में है ना, ये ए है, ये ए वाई है और ये ए है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो है ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, दिस ए एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस दिस ए वाई का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से होगा या नहीं होगा, समझ रहे कि नहीं। तो ये बेसिक है आपका, ठीक है, बेसिक इस तरह से है। और आप यहां से भी देखे ए एक्स कॉस थीटा ए वाई साइन थीटा, इससे भी आपने करके देखा तो ये आ गया, ठीक है। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं जो ए आ गया है ना, वो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। सो दिस ए जो होगा यहाँ से इसको स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये बात समझ गए कि आपको, अब देखिए इसको थोड़ा सा और एनालाइज कराता हूँ। कल हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें हमने ये देखा था कि दो वेक्टर्स ए और बी जब ऐड हो रहे थे, ठीक, तो अगर ये दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे होते थे सपोज, ठीक है, एक वेक्टर ए था एक वेक्टर बी था, ठीक है, याद कीजिए। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर था उसका जो मैग्नीट्यूड था वो आ रहा था आपका कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। पैरेललोग्राम लॉ में ये आया था और ट्रायंगल लॉ में आया था, ठीक है। जब ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाए, 90 डिग्री पे हो, तो कॉस थीटा थीटा की जगह 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता था, कॉस 90 कितना होता था, जीरो। तो जीरो हुआ तो ये पूरा का पूरा जीरो टर्म खत्म हो गया, ये पूरा टर्म क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो सिर्फ रिजल्टेंट आप क्या क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था, ठीक है, वहां से भी आपका ये आता था। और अभी आपने देखा कि आपका एक वेक्टर था ए, ठीक, उसका हमने दो कंपोनेंट लिया, दिस इज ए एक्स एंड दिस इज सॉरी दिस इज ए वाई। तो ए एक्स और ए वाई है और ये दोनों आप वेक्टर एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री से इंक्लाइंड है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ए, ठीक है, दिस ए विल बी है ना इक्वल टू अंडर रूट ए ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यहां से भी आपको समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, बोलिए तो बोलिए, ठीक है। तो देखिए एक चीज को दो तीन तरीके से समझ रहे हैं। अब इसमें कुछ जो मैथ्स के बच्चे होंगे उसमें मैथ्स में एक चैप्टर है आपका 5, ठीक है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आपको मालूम है आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का चैप्टर है वो खत्म हो जाता है इसी बेस पे, ठीक है, पूरा मैथ्स का वो चैप्टर, उसमें एक्सरसाइज 5.3 जो है वो इसी टाइप का है, ठीक है, सॉरी 5.2 होगा इसी बेस पे, ठीक है। और वो पूरा चैप्टर बिल्कुल ही आसान है, ठीक है, उसमें हम लोग को पहला एक्सरसाइज तो सिंपल है, वो तो आप फॉर्मूला सीधा अंडर रूट है ना, अंडर रूट -1 को आयोटा लिखते हैं इसी फॉर्मूले के ऊपर में, वो पूरा एक्सरसाइज 5.1 है। और 5.2 में पोलर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म को चेंज करने के लिए, यही कॉस थीटा साइन थीटा में रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही था एकदम एग्जैक्टली इसी तरह से, थोड़ा सा बस उसमें खाली और उस फॉर्म में लिखने के लिए बताना है, बस कॉन्सेप्ट सारा यही था, ठीक है। और 5.3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो 10th में पढ़े हैं हम लोग, ठीक है, एक्स इक्वल टू वो नहीं होता -b + -√d वाला अपॉन में 2a, ठीक है। तो ये तीनों एक्सरसाइज आपका यहीं से खत्म हो जाता है, ठीक है। सो ये जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसका भी कॉन्सेप्ट यही है मैथ्स में, ठीक है। तो आप कुछ बच्चे इससे भी एनालाइज करके सीख सकते हैं वहां पे। क्लियर हो गया सबको, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कोई दिक्कत तो नहीं आई, एनी प्रॉब्लम, ठीक सर है। यानी अब आपको इतना समझ में आ गया कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मीन्स कि एक वेक्टर को हम लोग दो, अगर 2 डायमेंशन में डिवाइड करना है तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और फाइनली उसको हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। और जो रिजल्टेंट, जो जिस वेक्टर को हम लोग रिजोल्व कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर हो जाएगा।
और अगर हम लोग वहीं पे टेन थीटा की बात करते हैं कि कितना एंगल बना रहा है, तो दिस टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई। ये ए वाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैसे समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये ए एक्स है और ये ए वाई है, तो जितना ये है उतना ही ये भी होगा। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सो दिस इज ए वाई अपॉन में ए एक्स, ठीक है। सो दिस इज द एंगल टेन थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है। सो टू डायमेंशन में आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपको जैसे ये वेक्टर आर है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक पॉइंट पी दिया हुआ है, सपोज ऐसे पी पॉइंट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो आप समझ सकते हैं इस पी पॉइंट का ये एक्स जो है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो एक्स है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप, और ये डिस्टेंस जो है वो वाई है, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई जे कैप, ठीक है, समझ गए, इसको क्या लिखेंगे, वाई जे कैप, ठीक। तो ये जो आर वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, अगर ट्रायंगल लॉ से देखेंगे तो दिस प्लस दिस, और पैरेललोग्राम लॉ से देखेंगे तो दिस प्लस दिस, ठीक है। सो ये हो गया एक्स आई कैप, और ये वाई जे कैप का जो सम होगा दैट विल बी आर वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, समझ गए सब कोई, यहां तक में कोई दिक्कत है, नमस्ते। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां से आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आपको समझ में आ गया, और फिर अगर आप यहाँ पर पाइथागोरस भी लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस आर इज इक्वल टू ये एक्स और वाई, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। यानी अब आपको अगर मैं ये पूछ दूं, जैसे सपोज कि ये एक है ना कार्टेशियन प्लेन है, इसमें अगर किसी का ये कोऑर्डिनेट अगर सपोज फोर कमा है ना फोर कमा क्या कर लें सेवन कर लें, ठीक है, तो इसका अगर आपको ये पॉइंट पी है, तो इसको अगर आपको वेक्टर फॉर्म में रिजॉल्व करना है, तो वेक्टर ओपी को आप क्या लिखेंगे बताइए, ओपी वेक्टर को क्या लिखेंगे बोलिए। आई कैप क्या रिपीट फोर करो, आई कैप फोर आई कैप, क्योंकि ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो कितना हो गया फोर, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है सेवन, तो दिस इज फोर आई कैप प्लस सेवन जे कैप, ठीक है, ये हो गया। और फिर अगर मैं ये पूछूं ओपी कितना होगा तब क्या बोलेंगे आप लोग, ओपी पूछूंगा तो क्या होगा, यानी कि मैं वेक्टर नहीं पूछ रहा हूँ, अब क्या पूछ रहा हूँ, मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ठीक फोर का स्क्वायर प्लस सेवन का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 49 प्लस 16 कितना होता है 65 का अंडर रूट। आगे बात समझ में सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक, नो ठीक है, नो चलिए ठीक है ठीक है। हाँ नेक्स्ट जो है अब आपका आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन थ्री डायमेंशन, ठीक है। अब वहां पर जो दो एक्सिस था यहाँ पर कितना हो जाएगा, तीन एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ये भी ध्यान में रखना है ये तीनों एक्सिस को हम लोग फेर बदल कर सकते हैं, कहीं पे ये जेड एक्सिस हो जाता है, कहीं पे ये वाई एक्सिस की जगह पे ये एक्स एक्सिस बन जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो सकता है, ये एक्सिस फिक्स नहीं होते हैं याद रखिएगा, ठीक है, वो आप अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं, जब आपको जो मन करे वो एक्सिस ले सकते हैं, ठीक, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, थ्री डायमेंशन में ये एक वेक्टर है आपका वेक्टर ए, ठीक है, ये वेक्टर है वेक्टर ए, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, दिस इज वेक्टर ए, ठीक, ये समझने में थोड़ी मुश्किल होगी तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एक ही बार में कोशिश कीजिए समझने की, क्योंकि ये बहुत पतरा टाइप का है, तो दो तीन बार समझाने में और ज्यादा टाइम खराब होगा, तो एक ही बार में टाइम थोड़ा ज्यादा खर्च कर देता हूँ, ठीक है। ये जो ओपी हो गया मीन्स ये वेक्टर है हमारा ए, अब इसी ए वेक्टर को रिजॉल्व करना है तीन डायमेंशन में, ठीक, तो अगर आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे तो आप सीधा इसका रिजल्ट अगर मैं बता दूं तो आपको ये समझ में आ गया होगा, एक ए एक्स आई कैप हो जाएगा, एक ए वाई जे कैप हो जाएगा, और एक ए जेड के कैप हो जाएगा, डायरेक्ट इसका रिजल्ट अगर आपको समझाना है तो इस तरह से समझा सकता हूं मैं, ठीक है, ठीक, देखिए इसका रिजल्ट यही आएगा, लेकिन
अब इसको थोड़ा अगर आपको डिटेल में समझाना है तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे, ठीक है, क्या क्या हो रहा है, ताकि ये भी आपको, इसको अगर समझ लेते हैं तो आपका मैथ्स में क्लास 12th में एक चैप्टर है वेक्टर्स, और है ना, वेक्टर्स चैप्टर में आपका इस वाले कॉन्सेप्ट से एक पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है और दूसरी एक्सरसाइज भी आधी खत्म हो जाती है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे अगर जितना मैं अभी समझा रहा हूँ इतना समझ आ गया तो देखिए। और सबसे बड़ी बात ये थ्री डायमेंशन वाली चीजें लोग समझा ही नहीं पाते हैं, सबसे बड़ी बात तो टफ चीज ये है, ठीक है, तो इसको मैं बिल्कुल तोड़ के समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये वेक्टर, इसका रिजोल्यूशन हम कर रहे हैं, ठीक है, ए वेक्टर का, दिस इज योर वेक्टर ए, इसका एक एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिजोल्यूशन हो गया ए एक्स, ठीक, यहां से यहां तक इसकी लेंथ हो गई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिजोल्यूशन हो गया ए वाई, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग रिजोल्यूशन हो गया ए जेड, तीनों लेंथ समझ में आ गया सबको। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं कि ये वेक्टर ए एक्स वेक्टर, जितना ए एक्स जो वेक्टर था उसका जो मैग्नीट्यूड है, इसको हम लोग यहाँ से इसके पैरेलल ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हमारा टू डायमेंशन में है ना ये ए वाई होता था तो ए वाई के पैरेलल ऐसे लेते थे हम लोग, है ना, जैसे ये था तो ए वाई के पैरेलल ऐसे लेते थे ना, तो उसी तरह से यहाँ है ना ए एक्स के पैरेलल हमने इस वाले वेक्टर को ले लिया, दिस इज ए एक्स, ठीक है, ये समझ आ गया सबको, ए एक्स समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलिए। आ गया, ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ पर देखिए इसको, ये जो डिस्टेंस है दिस इज ए वाई, इसको भी हम लोग ए वाई के पैरेलल एक और यहाँ पर हम लोग ऐसे ले लेते हैं ए वाई, ठीक है, ये डिस्टेंस, तो ये हो गया ए वाई, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, दो वेक्टर हमने ले लिया पैरेलल पैरेलल। अब तीसरा देखिएगा ध्यान से, तीसरा जो वेक्टर है ये वेक्टर है ए जेड, ठीक है, ये है हमारा ए जेड वेक्टर, तो इसके पैरेलल हम लोग यहां से उठा के ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, ये दिख रहा है, तो ये वाला जो है लेंथ ए जेड हो गया। तो आपने देखा तीन वेक्टर्स थे, तीनों को हमने पैरेलली शिफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां तक में, बोलिए, ठीक है। अब यहां से हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक, तो अब हम लोग लगा देते हैं इसमें ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ, जो लगाना है लगा दीजिए, ठीक है, चलिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, कौन सा ले लें पहले, ओ टी पी, ये वाला है ना, ये, ठीक है, इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके जा रहा है ये वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये ऐसे आया है, तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा, ओ टी वैक्टर प्लस में टी पी वैक्टर, ओ टी वैक्टर प्लस टी पी वैक्टर इज इक्वल टू ओ पी वैक्टर, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं बोलिए, कोई दिक्कत किसी को, क्योंकि हम लोग को ए वैक्टर को लाना है, रिजॉल्व कराना है, तो ए वैक्टर को ही हम लोग को फाइनली इधर रखना है, ओ पी वैक्टर, किसी को दिक्कत है यहां तक में तो बोलिए, अरे ट्रायंगल लॉ लगाया ना, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अब दिक्कत होगी अगर मैं आपसे पूछूं कि ओटी वेक्टर कितना होगा तो क्या बोलेंगे बताइए, अगर मैं पूछूं कि ओटी वेक्टर कितना होगा तो बता सकता है कोई कितना होगा, बाबा मैंने वेक्टर पूछा है तो एकदम सस्ते सस्ते वाला काम करता है यार, वेक्टर पूछा मैंने, मैग्नीट्यूड पूछा है क्या, ओटी वेक्टर कितना होगा ये बताओ, ओपी वेक्टर माइनस टीपी वेक्टर, माइनस कहाँ से आ गया रे, उसको छोड़ दो उधर मत जाओ, ठीक है, इसको मत जाओ, ओपी को तो छोड़ना ही नहीं है, ओपी को छूना ही नहीं है, उसको छोड़ देना है, ठीक है, ओटी वेक्टर को देखिए आप समझ नहीं रहे मेरी भावनाओं को, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे रिजॉल्व करना है वेक्टर को, ठीक है, तो आपका ये फोकस होना चाहिए, देखिए आपको थोड़ा हिंट देता हूँ समझने के लिए, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, देखिए अगर मैं ये पूछूं ये जो पीटी वेक्टर है, ये पीटी वेक्टर को ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, तीनों सेम होगा या नहीं होगा, हाँ या नहीं,
क्योंकि ये क्यूब बन रहा है ना, आप पूरा गौर से देखिएगा, थ्री डायमेंशन में ये क्यूब बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये ए वाई के बराबर होगा, ये और ये सारे बराबर होंगे या नहीं होंगे? यस सर। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे समझ में आएगा। ओपी को हम लोग क्या लिखेंगे, ओपी जो है वो ए वेक्टर है, ठीक समझ गए। अब ये जो टीपी था, इस टीपी को हम लोग ए वाई लिख दें, समझ गए, बोलिए। हाँ, अब देखिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा, यानी कि अब ए वाई तो आ गया, अब दो और कंपोनेंट बच रहा है, कौन कौन सा, ए एक्स और ए जेड, ठीक है। तो ये वो कहां से आएगा, इसी से आएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, ओ टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइडिया समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहे थे? ओ आर वेक्टर प्लस आर टी वेक्टर। ओ आर वेक्टर, यस वेरी गुड। कौन बोला, कौन बोला? ये जो वेक्टर है आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ओ आर वेक्टर प्लस आर टी वेक्टर, तो ये ओ टी वेक्टर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा बोलो। यस, तो दिस ओ टी वेक्टर कैन बी रिटन एज ओ आर वेक्टर प्लस आर टी वेक्टर, प्लस आर टी वेक्टर। अब बताइए ओ आर वेक्टर क्या है, ओ आर एजेड, एजेड है, तो इसको हमने लिख दिया az, ठीक है। और rt वेक्टर क्या है, ax, rt वेक्टर क्या है, ax है, so this is ax वेक्टर, सिंपल। तो ot की जगह पे हम लोग यहाँ से क्या लिख दें, ot की जगह क्या लिख दें, ax वेक्टर और प्लस में az वेक्टर। समझ आ गया सबको कि नहीं समझे? yes. अब आप देखिए ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट था थ्री डायमेंशन में जब आपने रिजोल्व किया तो ये कितने के बराबर बन गया, a वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर प्लस ए जेड वैक्टर बन गया, बोलिए। अब इसी को आप और थोड़ा सा अगर स्टाइल मार के लिखना चाहते हैं तो x एक्सिस के अलोंग हमारा कौन सा हो जाएगा, आई कैप, ए एक्स वैक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप। ए एक्स पे देखिए ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बात में ध्यान, ये सब लिखने का तरीका बच्चों को नहीं आता है। ए एक्स वैक्टर था, ठीक, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें हैं और मैं बता रहा हूँ 99.99% बच्चे ये सब गलत करते हैं, मतलब 100 में से 100 बच्चे, 1000 में से जाके एक आध बच्चे इसको सही करते हैं। ए एक्स वेक्टर था, मैंने इसको लिखा, अब देखिएगा आपसे पूछ रहा हूँ, ये छोटी छोटी बात है, बच्चे मिस्टेक करते हैं ये सब कॉन्सेप्ट में, मैं ये लिख रहा हूँ और एक ये लिख रहा हूँ, ठीक है, दोनों में से कौन सा सही है, ये है 1 और ये है 2। ए एक्स को दो तरीके से, इसको दो तरीके से लिखा हूं, 1 और 2, कौन सा सही है ये बताइए। 1, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग इसका इसका जो वेक्टर पूरा निकाल रहे थे तो ये वाला जो है ना इसके ऊपर अब वेक्टर नहीं आएगा, आई कैप के ऊपर में सिर्फ वेक्टर आएगा, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड बन गया और ये डायरेक्शन बन गया, ठीक है। जब तक किसी के ऊपर वेक्टर नहीं है साइन लगा हुआ वो मैग्नीट्यूड का फॉर्म रहता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रहता है। आगे बात समझ में सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोल दो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ए एक्स आई कैप, अब फिर ए वाई को क्या लिखेंगे अपन, ए वाई जे कैप, और ए जेड को क्या लिख देंगे, ए जेड के कैप, ठीक है। दिस इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन थ्री डायमेंशन। आगे बात समझ में सबको, कोई दिक्कत? ओके, ठीक है। अब इसी को एंगल वाले फॉर्म में भी देख लेते हैं, ठीक है, एंगल के फॉर्म में कैसे इसको लिखना है। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक, एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और जेड के कैप ए के बराबर हो गया, ठीक। अब हम लोग बात, अच्छा पहले मैग्नीट्यूड भी इसका निकाल दें, ये पहले मैग्नीट्यूड फिर एंगल वाला काम बाद में कर लेंगे। इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो फिर आप लोग उसी तरह से क्या कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट। कोई दिक्कत इसको, कि इसको भी समझाऊं पूरा? नो सर, इसको भी समझाना, ठीक है। आप समझ सकते हैं ना, जैसे टू डायमेंशन में क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर तीनों एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है, तो तीनों के बीच में ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। और अगर आप डिटेल से इसको अगर समझाना
समझाने के लिए बोलेंगे तो मैं यहाँ से आपको ऐसे समझा देता हूँ, ये जो है आपको ये वैल्यू है ना वो आ गई आपकी कितनी, ये है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और तीसरा जो जेड एक्सिस होगा इसके ऊपर में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये होगा ए जेड, ठीक है, दिस इज ए जेड। थ्री डायमेंशन में क्या होगा, ये एक्स और वाई का ये निकल गया रिजल्टेंट, और जेड एक्सिस इसके ऊपर में परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो फिर ये देखिए ये एक अब जो नया रिजल्टेंट हो जाएगा ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर ए एक्स, ये क्या है, ये क्या है, ये वाला अंडर रूट ए एक्स का होल स्क्वायर ए वाई का होल स्क्वायर, है ना, और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, ठीक है, ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। तो थ्री डायमेंशन में इस तरह से हो जाएगा, क्लियर। तो रिजल्टेंट हमारा ये होगा, और आपको बस ये ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड, किसी का मैग्नीट्यूड बोले तो आई कैप जे कैप के कैप तीनों को हटा दीजिए, और जो बच गया उसके बाद वाला उन सबका स्क्वायर का अंडर रूट कर दीजिए, खत्म। नहीं समझे, जैसे अगर मैं एक वेक्टर आपको बोलूं, एक वेक्टर है आपको थ्री आई कैप, ठीक है, माइनस फोर जे कैप और प्लस फाइव के कैप, ठीक है। चलिए इसका मैग्नीट्यूड बताइए क्या होगा, फास्ट इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बताइए, थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप का मैग्नीट्यूड सबको समझ में आ गया, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर, क्योंकि जे का कंपोनेंट क्या है यहाँ पर, माइनस फोर, और प्लस फाइव का स्क्वायर, ठीक है। सो फाइव का स्क्वायर 25 प्लस 16 प्लस 9, तो इट बिकम्स 50 का अंडर रूट। समझ गए सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में, बेसिक बेसिक बातें थी, ठीक है। अब हम लोग एंगल पे फोकस करते हैं, इसका एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाए, एंगुलर फॉर्म में इसको कैसे रखा जाए, ए एक्स ए वाई ए जेड को, जैसे वहां ए एक्स कॉस थीटा था, ए वाई साइन थीटा था, यहां पर क्या होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर आप देखिएगा गौर से, ये जो ए वेक्टर है, फिगर को ध्यान से देखिए, ए वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, ठीक है। y एक्सिस का साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा, बीटा, और z एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, गामा, ठीक है। चलिए ये अब देखते हैं हम लोग, हो गया क्लियर। तो यहां से देखिए ये a वेक्टर x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, y एक्सिस के साथ इस वेक्टर का एंगल ये बीटा एंगल है, दिस इज बीटा, और ये वेक्टर ए वेक्टर जेड एक्सिस के साथ एंगल जो बना रहा है, दिस इज ये वाला एंगल है ना, दिस एंगल ये यहाँ पे ऐसे दिखाया है, एंड दिस एंगल इज गामा, गामा को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, समझ गए। सो अल्फा बीटा और गामा तीन एंगल्स हैं, ठीक। अब देखिएगा यहां पर हम लोग साइन कॉस, वहां पर टू डायमेंशन में था तो साइन और कॉस लगा दिए थे, ठीक, लेकिन यहाँ टू डायमेंशन नहीं है, यहाँ पर थ्री डायमेंशन है, इसलिए थ्री डायमेंशन में साइन कॉस, और आप क्या सोच रहे होंगे उसका टेन लगा दो, ठीक है, तो टेन तो लगाना नहीं है, क्योंकि हम लोग को हमेशा हाइपोटेनियस आना चाहिए, ठीक है। साइन में, साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन में हाइपोटेनियस होता नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसलिए टेन नहीं लगाएंगे, क्या टेन लगा के बाद में चेंज कर लेंगे। मेरे गुरु अगर तू टेन लगाएगा तो फर्स्ट वाला जो ए एक्स और ए वाई का ही तो डिफरेंस आ जाएगा, वो डिस्टिंग वो आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, ये देखना कहाँ गया टेन वाला जो अभी आया था, कहाँ गया वे, ये देखो टेन किया तो उसी दोनों का तो डिवाइड आ गया, बात समझ में, ये एक्स और ए वाई, ठीक है, इसका रेशियो आ जाएगा, इसलिए 10 हम लोग लेंगे ही नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, वो 2D में ही रह जाएगा, 3 डायमेंशन में आएगा ही नहीं, बात समझ गए सबको, इसलिए हम लोग यहाँ पर साइन कॉस 10 नहीं लेंगे,
तीनों कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे cos अल्फा, y एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे cos बीटा, और z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे cos गामा, और इन तीनों को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोला जाता है? डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। सो ये जो है BC, इसको इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, BC, ठीक है। सो यहां पर ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन, अल्फा बीटा एंड गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब सबसे पहले हम लोग कॉस अल्फा की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉस अल्फा की बात करते हैं तो क्या करते हैं, एक पहले हम लोग टू डायमेंशन, इसको समझने के लिए टू डायमेंशन में फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये एक आपका वेक्टर था ए, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, ये हो गया आपका ए एक्स, इधर एक्स एक्सिस है तो इधर ये, इसको हम लोग एक्स एक्सिस लिख लेते हैं, ये हो गया ए एक्स और ये हो गया ए वाई, ठीक है। अब इससे इसको हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, है ना। सो और ये ए है, तो आप यहाँ से देखिए कॉस अल्फा कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ से कॉस अल्फा की बात कीजिए तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है ए एक्स और हाइपोटेनियस कितना है ए। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है? अरे बोल दो थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ पर भी आप फिगर में बोलोगे कि फिगर में क्यों नहीं बता रहे हो, तो ये लिखिए फिगर, ये है ना ए वेक्टर, ये हो गया ए एक्स, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है ए एक्स, और ये वाला जो है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये वेक्टर है ए वेक्टर, तो कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत? सो ए एक्स अपॉन ए, ठीक। तो उसी तरह से सेम वे है ना, ये अगर आप देखिएगा ये एंगल कितना है बीटा है, ठीक है, ऐसे 2D से थोड़ा ज्यादा आसानी से समझ में आ जाता है ना। तो ये एंगल अगर सपोज बीटा है, ये एंगल क्या है बीटा, दिस इज बीटा, तो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो आप देखिएगा फिर से कॉस बीटा, तो कॉस बीटा कितना हो जाएगा, बेस, बेस ये हो गया और हाइपोटेनियस तो यही होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के अपोजिट वाला ये हाइपोटेनियस होता है, तो बेस हमारा अब क्या हो गया ए वाई, ठीक है, और हाइपोटेनियस तो ये वाला वेक्टर ए है, तो ए वाई अपॉन ए, ठीक है, समझ गए सब कोई? तो कॉस बीटा यहां से कितना आ गया ए वाई अपॉन ए, और कॉस गामा उसी तरह से सिमिलरली क्या हो जाएगा ए जेड अपॉन ए, ठीक है, यहां तक समझ आ गया सबको? तो अब आप यहां से ये बोल सकते हैं जो ए एक्स था, ए एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया यहां से ए कॉस अल्फा, ए वाई कितना हो गया ए कॉस बीटा, और ए जेड कितना हो गया, ए जेड कितना हो जाएगा ए कॉस गामा, गामा, ठीक है, समझ गए? तो ये तीन जो है कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे, है ना, किसमें, जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में ए एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा, ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा और ए जेड इक्वल टू ए कॉस गामा, तो आप जब फाइनल लिखेंगे ए वेक्टर को, तो ए वेक्टर आपका कॉम्पोनेंट फॉर्म में ऐसा दिखेगा ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप, इस तरह से आपका रिजॉल्व वेक्टर जो है होगा। यहां तक समझ आ गया सबको कि कोई दिक्कत है यहां तक में? बोलिए। नहीं है, ठीक है, चलिए। सो उसी तरह से जब ये कोई भी वेक्टर अगर मान लीजिए सपोज थ्री डायमेंशन में, अगर मान लीजिए ऐसा कोई एक पॉइंट है 3D में, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है ये पॉइंट P है, जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 3, 5, ठीक है, तो आप जल्दी से बताइए OP वेक्टर जो होगा रिजल्टेंट वो कितना होगा, OP वेक्टर क्या लिखेंगे इसको, OP वेक्टर इस वेक्टर को क्या लिखेंगे थ्री डायमेंशन में, बोलिए, -1 i कैप
प्लस थ्री माइनस वन तो लिखना ही नहीं है, माइनस आई कैप प्लस थ्री जे कैप और प्लस फाइव के कैप, के कैप ठीक है, आ गया समझ में। और मैं ये पूछूं कि ओपी कितना होगा यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, तो हम लोग क्या लिख देंगे, पांच का पच्चीस और नौ, पच्चीस और नौ थर्टी फोर, थर्टी फाइव हो जाएगा, सॉरी फोर्टी हो जाएगा, सॉरी क्या कर दिया, गलत कर दिया, पच्चीस से छब्बीस और नौ ठीक है, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट थर्टी फाइव। समझ आ गया सबको, एनी प्रॉब्लम बोलिए। ठीक है, सो आर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जैसे एक्स की जगह माइनस वन था, थ्री था, फाइव था, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इसका दो एप्लीकेशन है। ठीक, अब देखिए इसके ऊपर मैंने ढेर सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अभी आपकी कोई क्लास भी होगी 11:30 से? बायो का तो नहीं होगा आज, हिंदी की क्लास होगी ना आज, हिंदी वालों की। क्या है, किसका डिसमिस हो गया? बायो। हाँ बायो का तो पता है, उसके जगह हिंदी होगी ना आज शायद। ठीक है, जो भी हो, चलो देखो जल्दी जल्दी मैं फिनिश कर दे रहा हूँ। वो मेरा क्लास बायो की क्लास, बायो की क्लास शुरू हुई, बायो की क्लास, बायो लिंक नहीं आ रहा मेरे, क्या बोलना चाह रही है पता ही नहीं चल रहा है, बायो तो लिंक नहीं आया है सर। वो बायो कैसे आएगा, तुम छह महीने के बाद आ रहे हो और तुम सोच रहे हो लिंक तुम्हारे पास आएगा, उठ के थोड़ी आता है। हाँ? तुम बायो वाले सर से कांटेक्ट करो, या फिर तुमको मुझे बताना चाहिए था, तुम अभी तक कुछ बता ही नहीं रहे हो, इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे हो, तो कैसे आएगा लिंक? बायो में तो सिलेबस 50% सिलेबस खत्म भी होने वाला है। हाँ? तुम सो रहे हो, जब जागो तभी सवेरा थोड़ी होता है। यस सर। चलिए देखिए इसका जो एप्लीकेशन है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का, ठीक है, एग्जांपल जो है दो एप्लीकेशन है बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है, वॉकिंग ऑफ मैन, हम जो चलते हैं, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का एप्लीकेशन है। देखिए कैसे, जब हम चलते हैं, जस्ट आप उसको फिगर को ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आप उसको फील कीजिए। ठीक है, जब आप खड़े रहते हैं तो आप मतलब चलना आसान होता है, या चलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जस्ट फील कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ के फिगर पे ध्यान मत दीजिए, आप जहाँ बैठे हैं वहां पर थोड़ा उसको पैर को टेढ़ा मेढ़ा करके सोचिए। चलने के लिए आपका जो एक पैर का है ना, जो आगे वाला पोर्शन है, उंगली वाला जो पोर्शन है, उसको आप क्या करते हैं, जमीन पे पीछे की तरफ दबाते हैं। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको आप जमीन पे पीछे की तरफ दबाते हैं, ऐसे ऐसे करके दबाते हैं, यानी तभी तभी जो है आप चलने में आसानी होती है। वैसे अगर आप इस तरह से रखेंगे अपने पैर को, तो आप चल पाएंगे आसानी से या नहीं चल पाएंगे? इस सिचुएशन में चलना आसान होगा वन, या इस सिचुएशन में चलना आसान होगा, किस में, वन में या टू में? टू, टू में। वन में आप खड़े रह जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे कभी भी। ठीक है, या फिर ताकत लगा के आपको उछलना पड़ेगा चलने के लिए। तो चलने के लिए क्या करते हैं आप, जब चलते हैं तो पैर की जो है ना, जो आगे उंगली वाला जो पोर्शन है, उसको आप क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा समझ के इसको चल के, ये पोर्शन को आप पीछे की तरफ एक एंगल पे जमीन पे लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो है जमीन पे जब आप एंगल पीछे की तरफ लगा रहे हैं, तो जमीन भी आपको है ना अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आप क्या कर रहे हैं, जमीन के ऊपर में इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो जमीन भी क्या कर रहा है, आपको इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन देता है। ठीक है, ग्राउंड रिएक्शन उसको बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, जमीन जो है आपको रिएक्शन किया अपोजिट डायरेक्शन में, समझ गए? उसका दो कॉम्पोनेंट, ये एक वैक्टर बन गया। ठीक है, इसके दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, ठीक है, दिस रिएक्शन आर है तो आर कॉस थीटा, और एक जो है इसका वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज आर साइन थीटा। ये जो आर साइन थीटा है ना, ये बेचारा आपके वेट को बैलेंस करता है, आप जो खड़े रहते हैं ना उसको ये बैलेंस करने के काम में आता है। ठीक है, चलने के लिए ये मदद नहीं करता,
चलने के लिए कौन मदद करेगा, चलना है आपको आगे साइड, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आर साइन थीटा है ये आपको हेल्प करता है चलने में। बात समझ में आई सबको या नहीं आई, बोलिए। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है ये वाला फोर्स लगता है, दैट इज आर कॉस थीटा, ठीक है, इस वजह से हम लोग चल सकते हैं। सो ये एक एग्जांपल है। दूसरा आपको है ना, अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस सोचने के लिए दिया। जैसे आपके पास कोई दो बॉडीज है, इस दोनों बॉडीज में ये बताइए, इसको एक कंडीशन में क्या कर रहे हैं आप, खींच रहे हैं, ठीक है, खींच रहे हैं, दिस इज पुलिंग, और ये जो है दूसरा कंडीशन है, आप इसको क्या कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, ठीक है, फोर्स ऐसे लगा रहे हैं। तो कौन सा आसान होगा, खींचना या धकेलना, पुशिंग और पुलिंग, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। ये सब कौन है, ठीक है, तो ये आप लोग सोचिएगा विच इज